नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आज के खास प्रोग्राम बॉलीवुड तड़का के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले इस वीकेंड 29 और 30 जनवरी को होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में बीबी हाउस में फिलहाल मामला काफी गर्मा गया है। बीते एपिसोड में मेकर्स ने सबसे कम वोट मिलने के बाद राखी सावंत को घर से बाहर कर दिया है। हाल ही में अगर मैं नहीं जीती, इतना लुक्स करने के बाद मेरा इतना लुक्स मैंने दिया और इतना लुक्स करने के बाद अगर मैं नहीं जीती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी डिजर्विंग नहीं है। फिनाले के लिए कोई भी डिजर्विंग नहीं है ट्रॉफी जीतने के। वीडियो में राखी सावंत ने एक बार फिर से शो से बाहर होने के पापराजी के सामने अपना दुख व्यक्त किया। राखी ने कहा कि शो हर सीजन में उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता है लेकिन उन्हें विजेता का पुरस्कार देने से इनकार कर देता है। वो दिन आ ही गया जब टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय रियल लाइफ से रियल लाइफ में दुल्हन बन गई। 27 जनवरी को मौनी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नाबिया संग शादी करके हमेशा के लिए उनका हाथ थाम लिया है। मौनी ने अपनी शादी में साउथ इंडियन ब्राइडल लुक कैरी किया है। ब्राइडल लुक में मौनी रॉय बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मौनी और सूरज की वेडिंग फोटोज पर फैंस फिदा हो रहे हैं। वहीं कपिल शर्मा ने अपने स्टैंड अप के रिलीज के पहले इसका एक और प्रोमो शेयर किया है। कपिल शर्मा वीडियो में बताते हैं कैसे शोज की टीआरपी गिरने के बारे में न्यूज में लिखा जाता है। यहां कपिल शर्मा सलमान खान का भी जिक्र करते हैं। कॉमेडियन ने कहा, हम जैसे लोग 8 ड्रिंक पीकर जो शो चल रहा होता है उसे भी बंद कर बैठते हैं। अगले दिन खबरों में क्या देख रहा हूँ, कपिल शर्मा शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की गंगूबाई कठियावाड़ी इस साल 22 फरवरी को रिलीज की जाएगी। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जनभावना टाइम्स के साथ देखते रहिए फिल्मी दुनिया से जुड़ी सभी खबरें। धन्यवाद।